चंद्रयान की सफलता के पीछे देश के वैज्ञानिकों का अथक प्रयास और मेहनत है। मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि सतना के ओम पांडे चंद्रयान मिशन का हिस्सा रहे। अब जब वे अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका शानदार स्वागत किया। जब पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआ प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त सतना के ग्राम करसरा निवासी अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओम पांडे अर्थ बाउंड फेज में चंद्रमा की ऑर्बिट रेज करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मिशन की सफलता के बाद ओम पांडे कजलिया के मौके पर गांव आए तो लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते थिरकते जश्न मनाते हुए उन्हें घर ले गए। ओम पांडे ने कहा कि आने वाले समय में भारत बड़े स्पेस पावर के रूप में पहचाना जाएगा। ओम पांडे की सरकार से अपील है कि उनके गांव के स्कूल का कायाकल्प किया जाए और गांव में मिनी PHC का इंतजाम कर दिया जाए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का सम्मान जो उन्होंने दिया, खासकर एक विज्ञान के लिए जो उत्सुकता आ रही है वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि ये भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बहुत ही बड़ा पल है और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि एक से एक मिशन आएंगे और भारत को एक बहुत ही बड़ी अंतरिक्ष पावर के रूप में जाना जाएगा। ऐसे कोई स्पेसिफिक अपेक्षा तो नहीं है, सभी सरकारें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो हालांकि मेरे गांव में भी है, काफ़ी अच्छा है, स्कूल भी है, और बस मेरा ये एक इच्छा है कि मेरे एक जो करसरा ग्राम है वहाँ पे अगर मिनी PSC को PSC में कन्वर्ट कर दिया जाए और स्कूल का थोड़ा एक्सपेंशन कर दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।